हेलो माय डियर ऑल सो टुडे आई एम हेयर विद द एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री एक्सप्लेनेशन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से पहला क्वेश्चन है आपका मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन लोवेस्ट फॉर्म सो यहां पर आपके क्वेश्चन है वो है सिक्स अपॉन माइनस सेवन दैट इज सिक्स अपॉन माइनस सेवन मल्टीप्लाई फोर्टीन अपॉन थर्टी सो ये बहुत ईजी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं सेवन वन टाइम्स सेवन टू टाइम्स सिक्स वन टाइम्स एंड सिक्स फाइव टाइम्स सो आपका आंसर हो जाएगा माइनस टू अपॉन फाइव यह आपका फाइनल आंसर माइनस टू अपॉन फाइव नेक्स्ट है सिक्स होल टू बाई थ्री मल्टीप्लाई बाय वन होल टू बाई सेवन ये नंबर्स हैं ये आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन में किस है किसमें मिक्स फ्रैक्शन में तो हम लोग कन्वर्ट करेंगे इम फ्रैक्शन में और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे सो so, ये हमारा हो जाएगा सिक्स थ्री या एटीन प्लस टू ट्वेंटी अपॉन थ्री मल्टीप्लाई बाय सेवन वन ज सेवन प्लस टू नाइन अपॉन सेवन ट्वेंटी अपॉन थ्री मल्टीप्लाई बाय नाइन अपॉन सेवन अब देखते हैं कैंसिलेशन होता है थ्री वन टाइम्स थ्री थ्री टाइम्स तो ये हो जाएगा हमारा ट्वेंटी थ्री से सिक्सटी सिक्सटी अपॉन सेवन और इसको हम लोग मेज में कन्वर्ट करेंगे तो सेवन एट टाइम्स होता है फिफ्टी सिक्स फोर अपॉन सेवन सो एट होल फोर बाय सेवन ये आपका आंसर आ जाएगा नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ सो क्वेश्चन नंबर टू हमारा यहाँ पर है वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ रैशनल नंबर सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है ये होती है ए इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए ये आपकी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन सो हेयर इसको हम लोग a मानते हैं फोर अपॉइंट फाइव को माइनस सेवन अपॉइंट एट को b मानते हैं सो so, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे एल एच एस दैट इज ए इंटू बी तो ये आपका हो जाएगा a आपका है फोर अपॉइंट फाइव ये आपका a है और b आपका है माइनस सेवन अपॉइंट एट सो a इंटू बी हो जाएगा फोर अपॉन फाइव इंटू माइनस सेवन अपॉन एट सो ये आपका आ जाएगा माइनस ट्वेंटी एट अपॉन फोर्टी यह आ जाएगा नाउ आर एच एस आर एच एस कैलकुलेट करते हैं ये आपका हो जाएगा बी इंटू ए बी इंटू दैट इज माइनस सेवन अपॉन एट इंटू फोर बाय फाइव तो ये भी आपका आ जाएगा माइनस ट्वेंटी एट अपॉन फोर्टी यू कैन सी दैट एल एच एस एंड आर एच एस बोथ आर इक्वल एल एच एस और आर एच एस दोनों के हमारे इक्वल हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री वेरीफाई द फॉलोइंग एंड नेम द प्रॉपर्टी ऑल्सो वेरीफाई करना है और हमको प्रॉपर्टी का नाम भी बताना है सो so, आप देख सकते हैं यहाँ पे ए है ये बी है और ये सी है इसको भी ए बी और सी तो यहाँ पे हो क्या रहा है ये है आपका ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ये हो रहा है आपका ए इंटू बी इन वन ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय सी ये हो रहा है दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसको कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और आप सॉल्व भी करेंगे तो एल हम लोग कैलकुलेट करते हैं एल एच एस एंड आर एच एस बुथ विल बी इक्वल, सो एल एच एस आपका हो जाएगा थ्री अपॉन फाइव मल्टीप्लाई बाय माइनस फोर बाय सेवन मल्टीप्लाई बाय माइनस एट बाय नाइन ये होगा और यह आपका आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा हम लोग बाहर भी मतलब सबसे पहले आपको थ्री बाई फाइव थ्री बाई फाइव इन टू ये आपका हो जाएगा एट फोर जो थर्टी टू सेवन नाइन जो सिक्सटी थ्री तो थर्टी टू अपॉन सिक्सटी थ्री थर्टी टू अपॉन सिक्सटी थ्री ना आप थ्री से इसको कैंसिल आउट करें थ्री वन टाइम्स थ्री ट्वेंटी वन हो गया अब ये जाएगा अब ये नहीं जाएगा सो थर्टी टू अपॉन थर्टी टू अपॉन ये हो जाएगा फाइव वन टाइम फाइव एंड फाइव टूज आर टेन तो वन ज़ीरो फाइव हो जाएगा ऐसे ही आप आर एच एस भी निकाल लेंगे आर एच एस भी आपका यही आएगा सो एल एच एस आप यहाँ से जब आर एच एस क्यूल्व निकालेंगे आर एच एस तो ये भी आपका आ जाएगा थर्टी टू अपॉन वन ज़ीरो फाइव सो बोथ आर इक्वल हैंस प्रॉपर्टी इज़ वेरीफाइड एंड कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसीटिव प्रॉपर्टी ओके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे आपकी यूज़ हुई है नेक्स्ट फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग सो मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स क्या होता है रेसी प्रोकल होता है सो रेसिप्रोकल मींस मीन्स यू हैव टू चेंज द प्लेसेस ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सो ट्वेल्व का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएगा आपका वन अपॉन ट्वेल्व एंड टू बाय थ्री का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएगा थ्री बाय टू ये आपका फाइनल आंसर है नेक्स्ट यूजिंग द अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर एवेलुएट द फॉलोइंग एवेलुएट करना है सो so, यहाँ पर टू बाई फाइव है और उसके बाद माइनस थ्री बाई सेवन उसके बाद माइनस वन बाई फोर्टीन फिर माइनस थ्री बाई सेवन और उसके बाद थ्री बाय फाइव ठीक है सो so, यहाँ पर थ्री बाई सेवन और थ्री बाई फाइव देखिए यहाँ पे कॉमन है यहाँ पे भी है थ्री बाई सेवन टू बाई फाइव और थ्री बाय सेवन थ्री बाई फाइव इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका टू बाई फाइव इंटू माइनस थ्री बाई सेवन ये हो गया उसके बाद माइनस थ्री बाई सेवन इंटू थ्री बाय फाइव ये हमने साथ में लिख लिए दोनों टर्म और इसको हम क्या कर सकते हैं माइनस वन बाई फोर्टीन माइनस वन बाय फोर्टीन इसको हमने अलग लिख दिया ठीक है अब हम लोग यहाँ से कॉमन ले सकते हैं थ्री बाई सेवन कॉमन ले लें या माइनस थ्री बाई सेवन अगर कॉमन ले लेंगे माइनस थ्री बाई सेवन अगर कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा टू बाई फाइव और प्लस थ्री बाई फाइव ठीक है और माइनस वन बाय फोर्टीन वन बाय फोर्टीन कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओके इन दोनों को ऐड करेंगे तो फाइव बाई फाइव दैट इज़ वन आ गया सो आपको फाइंड क्या करना है माइनस थ्री बाय सेवन माइनस वन बाय फोर्टीन सो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर माइनस थ्री बाय सेवन माइनस वन बाय फोर्टीन सो कैलकुलेट करते हैं एलसीएम आपका आ जाएगा फोर्टीन एंड सेवन टू टाइम्स तो थ्री टू जैस हो गया माइनस सिक्स और फोर्टीन वन सा तो माइनस वन तो माइनस सेवन अपॉन फोर्टीन दैट इज माइनस वन बाई टू आंसर आएगा माइनस वन बाई टू ये आपका फाइनल आंसर होगा इसका माइनस वन बाय टू नेक्स्ट पी क्यू एंड आर की आपको वैल्यू दी है एल एच एस और आर एच एस आपको अप्लाई करना है सो so, इसको अपने आप से ट्राई करिए एल एच एस में पी आपको निकालना है पी इन टू क्यू इन आर ओके सो so, उसके बाद आर आप कैलकुलेट करेंगे दोनों एल और आर दोनों क्या आने चाहिए सेम आने चाहिए पी इंटू क्यू इंटू आर ठीक है सो एल एंड आर दोनों आपके इक्वल होंगे सो हैंस आपका वेरीफाई हो जाएगा इसको अपने आप सब लोग ट्राई करेंगे नेक्स्ट मूव करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स टू बाई थ्री इंटू माइनस फोर बाई फाइव इज़ अ रैशनल नंबर द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑल्सो अ नंबर, सो इसका आंसर होगा रैशनल रैशनल नंबर नेक्स्ट है फिफ्टी फोर अपॉन एट्टी वन इंट तो यहाँ पे होगा माइनस सिक्सटी थ्री अपॉन वन जीरो प्रॉपर्टी दैट इज एन टू बी टू बी इंटू ए नेक्स्ट फोर अपॉन्ट फाइव इंटू वन दैट इज इक्वल टू फोर अपॉन फाइव एंड वन इंटू फोर अपॉन फाइव तो ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है वन इज़ द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी नाउ फाइव बाई माइनस ट्वेल्व को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ट्वेल्व बाय फाइव से सो so, आंसर आपका वन आ जाएगा दिस इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स और माइनस ट्वेल्व बाई फाइव है तो इन कर देंगे फाइव बाय माइनस इनवर्स है नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल टू वन नेक्स्ट थ्री बाई सेवन इंटू माइनस टू बाई एट इंटू यहाँ पे क्या है यहाँ पे फाइव बाई नाइन और यहाँ पे फाइव बाई नाइन नहीं है मीन्स दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए इंटू बी इंटू सी बी इंटू सी ब्रैकेट में इज इक्वल टू ए इंटू बी इन ब्रैकेट इंटू सी नेक्स्ट है आपका माइनस एट बाई नाइन ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है सो माइनस एट बाई नाइन इंटू फोर बाई थर्टीन उसके बाद प्लस माइनस एट बाई नाइन माइनस एट बाई नाइन इंटू फाइव सेवेंटीन दिस बाई से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नेक्स्ट मूव करते हैं ये आपका ए इंटू बी माइनस सी इसल टू एंटू बी माइनस ए इंटू सी तो यहाँ पे ए एट बाई नाइन आएगा दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन सिक्सटीन बाई टू इंटू ज़ीरो किसी भी रैशनल नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आएगा द रेसिप्रोकल ऑफ इज नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट लिख सकते हैं द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल कोई दो नंबर है दैट इज वन और माइनस वन ये दोनों अपने आप खुद के रेसिप्रोकल है वन का रेसिप्रोकल वन And minus 1 ka reciprocal that is minus 1. Okay. Next 11th part. If y be the reciprocal of x, then reciprocal of y in terms of x will be. Y is the reciprocal of x. So y in terms of x will be. Then reciprocal of y, to ok the product of a non-zero rational number and its reciprocal is 1. The reciprocal of a negative rational number is negative. ठीक है नेगेटिव रैशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है नेगेटिव होता है नेक्स्ट फोर बाई इज फोर बाई फाइव बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का इज़ फोर बाई फाइव द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस वन वन बाई फोर वाई और वाई नॉट सो माइनस वन वन बाई फोर माइनस वन वन बाय फोर इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस फाइव बाय फोर नाउ आपको बताया तो वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड इट्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स दोनों का प्रोडक्ट वन आना चाहिए तभी वो रेसिव टोकल है सो फोर बाई फाइव इंटू माइनस फाइव बाय फोर तो ये आपका क्या आ जाएगा ये आपका माइनस वन आ जाएगा माइनस वन दैट इज नॉट इक्वल टू वन सो इज द मल्टीप्लीकेटिवर्स नो इसका आंसर क्या होगा नो no. ठीक है क्या हो जाएगा इसका आंसर नो no. बिकॉज प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू वन प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड इट्स रेसीप्रोकल इज नॉट इक्वल टू वन नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी फाइंड सो सेवन बाई फाइव इंटू माइनस थ्री बाई ट्वेल्व सेवन बाई फाइव इंटू फाइव बाई ट्वेल्व तो सेवन बाई फाइव कॉमन ले लेते हैं ठीक है तो ये आपका ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस थ्री बाई ट्वेल्व प्लस फाइव बाई ट्वेल्व तो ये आपका आ जाएगा फाइव माइनस दैट इज टू बाई ट्वेल्व तो सेवन बाई फाइव इंटू टू बाई ट्वेल्व और टू बाई ट्वेल्व लिख सकते हैं वन बाय सिक्स तो आपका जाएगा सेवन बाई थर्टी ये आंसर आ जाएगा सेवन बाय थर्टी नेक्स्ट द फाइंड द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ नाइन सो एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स नाइन का क्या होगा माइनस नाइन और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नाइन का क्या होगा वन अपॉन नाइन तो उनका सम करेंगे तो क्या आएगा माइनस नाइन प्लस वन अपॉन नाइन सो so, ये हो जाएगा माइनस एट्टी वन प्लस वन अपॉन नाइन सो माइनस एट्टी बाय नाइन और इसको लिख सकते हैं नाइन एट इज सेवेंटी टू माइनस एट होल एट बाय नाइन दिस इज द आंसर नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एडिटिव एंड मल्टीप्लीकेटिवर्स ऑफ माइनस थ्री बाई सेवन तो एडिटिव इनवर्स माइनस थ्री बाय सेवन का एरेटिव यूनिवर्स क्या होगा ये होगा आपका थ्री बाय सेवन और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा माइनस सेवन बाय थ्री दोनों का प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट तो इनका क्या हो जाएगा प्रोडक्ट हो जाएगा थ्री बाय सेवन इंटू माइनस सेवन बाय थ्री सो ये है इससे माइनस वन आपका आंसर आएगा माइनस one okay thank you and stay connected for recent updates of upcoming chapter